रोज कितने आसन करना, अंगूठा अंदर, अंगुलियों पर मुठिया बन, ये 12 आसन रोज करने हैं, रोज, क्योंकि बहुत से कठिन कठिन आसन है वो आप ना कर पाएंगे। ये सरल आसन सबके लिए, कंप्लीट फिजिकल फिटनेस के लिए, ये बेसिक एंड इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, मूलभूत और सर्वांगीण योग अभ्यास। श्वास बाहर छोड़ेंगे, आगे झुकेंगे, वापस आना। ये पेट को ना एकदम परफेक्ट कर देता है, पेट के लिए, पेनक्रियास के लिए, डायबिटीज के लिए। मंडू का आसन और कपाल भाती कर लो, उद्धार हो जाएगा। गिलोय का जूस पी लेना, मधुराशी लेना, खीरा करेला, टमाटर का जूस पी, ठीक। ये एक अभ्यास ऐसे 5 बार 10 बार कर सकते इसको। दूसरा ऐसे वापस मंडू का आसन किया, अब शशा का आसन। ऋषियों के तप त्याग तेज और मानव धर्म महान, अपने ऋषियों के तप को, त्याग को, बलिदान को, उनके जीवन के योगदान को याद करके उनके जैसा बन गए। फिर हाथ उठाइए, आगे झुक के रुका करो तो दिमाग भी ठीक रहेगा, पेट पीठ सबका बैलेंस हो जाएगा। धरती माता को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरु सत्ता ऋषि सत्ता को प्रणाम, पूरे अस्तित्व को प्रणाम, कृतज्ञता का भाव पूरी समष्टि के प्रति। दोनों हाथ ऊपर लाइए, साइड से नीचे लाइए, पैर सामने खोल लीजिए, दाहिने पैर को मोड़ लीजिए। जो तीसरा अभ्यास, अपने ऋषियों के तप त्याग को याद करवाते हैं। दाहिना पैर मोड़ लिया, बाएं पैर सीधा है। अब ऐसे ही वक्रासन करेंगे, पूरे शरीर को साधना है, जीवन को साधना है, यही तो है योग की साधना। योग के अभ्यास से जीवन के अभ्यासों को अच्छा बनाना है। घूमो 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 दाहिना, दूसरी। खासन, बाएं पैर पहले मोड़ो, दाएं उसके ऊपर रखो, कर ऐसे जितना हो सकता है खींचो। सब हमारे पूर्वज योगी थे ना, सबको योगी बनना है।
वापस। लेट जाओ, ये रोज करने चार आसन बैठ करके फिर ये उल्टे लेट करके करो, फिर सीधे लेट की कराए, रोज करना है, भूलना नहीं। हाँ, योगी बनो, योद्धा बनो, योगः कर्मसु कौशलम, कुशलता पूर्वक नॉलेजफुल रहो, स्किलफुल रहो, इनोवेटिव रहो, प्रोडक्टिव रहो, क्रिएटिव रहो, पॉजिटिव रहो। योगः कर्मसु कौशलम, समता में रहो, समत्वम योग उच्यते। अपने स्वरूप में रह करके, ये भीतर की बात है, आत्म चेतना में रह करके, अपने निज स्वरूप में रह करके, स्वरूप में रह करके स्वधर्म का निर्वहन करना, यह है योग। अपने स्वरूप में रह करके स्वधर्म का निर्वहन करना, भीतर से ज्ञान योग, भक्ति योग, बाहर से कर्म योग, यह है योग का सार मर्म। भुजंगासन का दूसरा अभ्यास, शलभासन, ये रोज करने 12 आसन, दैनिक योग अभ्यास। दोनों तरफ से उठा दो, सीधे लेट जाओ, ये रोज करना। दोनों हाथ कंधों के बराबर, दोनों पैर मिले हुए घुटने, दाहिनी तरफ पैर, बाईं तरफ गर्दन, करो सर, ये तो सिखाया हुआ है। लंबे लंबे श्वास, अभ्यास मरकटासन, वापस। मरकटासन का तीसरा अभ्यास, ये रोज करने हैं। सारा जगत हमसे प्रकाश पाता था, ऐसा आदर्श हमारे पूर्वजों ने जीवन जिया। अब पवन मुक्तासन, एक तो अर्ध पवन मुक्तासन था, ये पूरा पवन मुक्तासन, दोनों पैरों को मोड़ लिया, पैरों को दबाया, सिर उठा करके नासिका को लगाते घुटने से, पवन मुक्तासन करो, पवन
एक एक पैर को अब ऊपर उठाना नहीं। ये तीन अभ्यास वेट को कम करने के लिए, कपाल भाति कर लेना और ये तीन अभ्यास ही कर लेना, उद्धार हो जाएगा आपका। एक एक पैर को उठाना, फिर दोनों को भी उठा सकते हैं यदि कमर में दर्द, हार्ट हाई बीपी के प्रॉब्लम, कमजोरी, हड्डियां कमजोर नहीं है तो। ऐसे अर्धलासन, फिर पादवृत्तासन गोल घुमाएंगे और द्विचक्रिकासन। ये तीन अभ्यास है, सब करो बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए। स्ट्रक्चरल बैलेंस बहुत जरूरी है। तन को भी संवारना है, मन को संवारना है, जीवन को संवारना है, सामान्य जीवन को दिव्य जीवन बनाना है। लंबे लंबे श्वास, योग का यही उद्देश्य है। एक एक पैर से उठाने के बाद दोनों पैरों से उठा सकते और दाहिने पैर से बड़ा शून्य बनाइए थाई पटक सिप्स के लिए। पांच पांच बार तो घुमाओ, पांच बार क्लॉकवाइज, पांच बार एंटी क्लॉकवाइज, जैसे दस दस बार घुमा दीजिए, पैर से बड़ा शून्य बना दीजिए। लंबे लंबे श्वास, अब कोई मोटा नहीं रहेगा, कोई मोटी नहीं रहेगी, कोई मोटा नहीं, कोई खोटा नहीं, कोई खोटी नहीं। लंबे लंबे श्वास भर के पूरा बड़ा शून्य बनाइए। लंबे लंबे श्वास भरते जाइए। लंबे लंबे श्वास, और जरा विचार करो, हम ईश्वर की संतान हैं, हम ईश्वर की दिव्य संतान है, भारत माता की अमर यशस्वी वीर संतान है। क्या कर्तव्य है हमारा, वो याद दिला रहे हैं आपको और गोल गोल घुमा रहे हैं, बड़ा शून्य बना रहे हैं। करते रहिए, पांच पांच बार करने के बाद फिर साइकिलिंग करें, किसी को रुकना नहीं है बीच में, करो। वापस वापस संशतेन कवे महिमा श्रुतेन विराजस स्वस्ति पंथाम अनुचरी व सूर्य चंद्रमसा महाजनो ये नगता सपंथा। सब आसनों के बाद थोड़ी देर शवासन, दोनों पैरों को थोड़ा खोल लीजिए, दोनों हाथ जंघाओं से थोड़ी दूरी पर, आंखें बंद मन सहज। सब आसनों के बाद शवासन, श्रम के बाद विश्राम, ये क्रम है जीवन का। सभी शांत हो चित्त हो करके, प्रसन्न चित्त एकाग्र चित्त हो करके, सहज हो करके अपने स्वरूप में लौट आते हैं। देह को शववत और स्वयं को शिववत अनुभव करना, ये शवासन योग निद्रा भी इसको कहते हैं। पूरा शरीर, इंद्रियां, मन, चित्त शांत हो जाते हैं। एक क्षण के चिंतन से कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा,
और मेरा परमात्मा सदा मेरे अंग संग है। अंति संतम न जहाति अंति संतम न पश्यति पश्य देवस्य आत्मा न ममार न जीर्यति। मैंने कहा अपने स्वरूप में रह करके अपने स्वधर्म का निर्वहन करना ही योग है, इस स्थिति के अभ्यास को दृढ़ बनाने के लिए। सत दीर्घ काल निरंतर आसवित दृढ़ भूमि, किसी भी तत्व को, किसी भी अभ्यास को, किसी भी वृत्ति और प्रवृत्ति को, किसी भी चेतना को, किसी भाव को, किसी कर्म को, किसी भी पुरुषार्थ को, किसी भी स्वभाव को, किसी भी स्वरूप को दृढ़ बनाने के लिए आवश्यक है उसमें बार बार लंबे समय तक निरंतरता पूर्वक जीने के लिए प्रयत्न करना। सत दीर्घ काल निरंतर आसीवित दृढ़ भूमि, मैंने बार बार कहा है अपने स्वरूप में बने रहना, भीतर से और बाहर से अपने स्वधर्म को, अपने माता पिता के धर्म को, अपने पुत्र के संतानों के धर्म को, देश के एक नागरिक के धर्म को, अपने गुरु शिष्य धर्म को, अपने कृषि धर्म को, व्यापारी कर्मचारी अधिकारी के, एक कलाकार के, एक चित्रकार के, एक विधायिका कार्यपालिका न्यायपालिका खबर पालिका, आप जहाँ हैं, जिस उत्तरदायित्व का आप निर्वहन कर रहे हैं, उस अपने स्वधर्म को आप ठीक से निभा पाए निज स्वरूप में रहते हुए, ये है योग मय जीवन। तो अपने स्वरूप में जैसे ही हम ठहरते हैं तो सारे झंझटों से, झंझावातों से, अंतरद्वंद्वों से, अंतर विरोधों से, सारे प्रवाहों से, प्रभावों से, कुभावों से, अभावों से मुक्त हो जाते हैं। अपने स्वरूप में, अपनी निजता में, अपने भीतर के पूर्णता में, हमारे भीतर पूर्ण प्रकाश, पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण प्रेम है, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण ऐश्वर्य, पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण आनंद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ऐसे श्वासों के साथ अपने स्वरूप में, अपनी पूर्णता में बने रहना, ये योग है। दोनों हाथों को ऊपर उठा लेंगे, आपस में रगड़ेंगे दोनों हाथों की गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा का उष्मा कंदन आंखों पर करेंगे, आंखें खोल लेंगे, बाएं करवट लेते हैं।